हेलो एवरीवन, आज हम बना रहे हैं बेसन की चिल्ली, जिसके लिए चाहिए हमें एक कटोरी बेसन जिसमें आराम से 4 से 5 चिल्ले बन जाएंगे। और हमें चाहिए देसी घी। देसी घी की बजाय आप ऑलिव ऑयल और रिफाइंड भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही हमें चाहिए एक बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च, एक बारीक कटा हुआ प्याज, 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च और नमक स्वाद अनुसार और ऑर्गेनो स्वाद अनुसार, चिली फ्लेक्स स्वाद अनुसार। इसके लिए हमें जो अपना सीक्रेट इंग्रेडिएंट चाहिए या ट्रिक है वो है आटा। और इसके साथ ही हमें एक बाउल और स्पून चाहिए। अब हम एक बाउल लेके उसमें 4 चम्मच बेसन डाल लेंगे। 4 चम्मच बेसन के साथ हमें आटा 1/2 चम्मच लेना है, जिसकी वजह से कि हमारे जो बेसन के चीले हैं वो बहुत ही अच्छे बनेंगे और ना ही वो चिपकेंगे और अच्छे से बन जाएंगे बिना ही टूटे हुए, चाहे वो नॉनस्टिक तवा हो या कैसा भी तवा हो। अब हमें सारी चीज़ें मिक्स कर लेनी है पानी के साथ, और हमें इस तरह से मिक्स करनी है कि ना तो ये ज़्यादा पतला हो ना ये गाढ़ा हो। और नमक और इसमें ऑर्गेनो चिली फ्लेक्स हमें स्वाद अनुसार डालनी है। तो हमारा जो मिक्सचर है वो कुछ इस तरह का होना चाहिए, तभी हमारे चीले अच्छे बन पाएंगे। तो अब एक नॉनस्टिक तवा हमने गैस पे रख लिया है और गैस को हमने सिम कर लिया। अब हम इस नॉनस्टिक तवे को ग्रीस कर लेंगे और चम्मच की सहायता से हम अपने मिक्सचर को इस तवे पे, नॉनस्टिक तवे पे डालेंगे और चम्मच की सहायता से इसको फैला लेंगे। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा घी डालेंगे ताकि जो है हमारे बेसन के चिल्ले उस घी को अच्छे से अब्सॉर्ब करके अच्छे से पक जाएं। और हम इसको थोड़ी गैस को तेज कर देंगे ताकि हमारा चिल्ला अच्छे से पक जाए। फिर पकने के बाद हम इसको धीरे से आराम से पलट देंगे और पलट कर हम इसको फिर से इस पर थोड़ा सा घी डालेंगे ताकि जो चीला है वो अच्छे से सिक जाए और हमारा चीला टेस्टी बने। अब हम इस घी डालने के बाद अपने चीले को अच्छे से चारों तरफ से सेक लेंगे। इसके लिए हम स्पैचुला से इसको दबा दबा के, ताकि कहीं से ये हमारा कच्चा न रहे, अच्छी तरह से सिक जाए। ये देखिए हमारे चीले का कितना अच्छा रंग आया है। तो इस तरह से हम इसको दबा दबा के अच्छे से सेक लेंगे जब तक कि ये अच्छे से ब्राउन कलर का नहीं हो जाता और चारों तरफ से सिक नहीं जाता। अब हमारा चीला तैयार है, हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसको केचप या ग्रीन चटनी के साथ सर्व करेंगे। और ये अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।